दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिले की सबसे बड़ी बाजार गोसाईगंज में हैं। गोसाईगंज विधानसभा भी है और यहां पर गोसाईगंज के निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी जी जेल से छूटने के बाद पहली बार आ रहे हैं और यहां पर काफ़ी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आज ये लोग अपने पूर्व विधायक का स्वागत करने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जमावड़ा हुआ है। आप उधर देखिए, उधर गोसाईगंज की पुलिस भी सुरक्षा के मद्देनज़र तैनात है। तो सबसे पहले हम यहाँ के पदाधिकारी हैं, यहाँ गोसाईगंज के मंडल अध्यक्ष हैं अशोक वर्मा जी, हम आपसे जानते हैं भैया आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। हमारे माननीय निवर्तमान विधायक श्रीमान इंद्र प्रताप तिवारी जी, जो कि हमारे पार्टी के और हम लोगों के अगुआ व संरक्षक हैं और हमारे संगठन में उनकी अहम भूमिका है, तो कुछ किन्हीं राजनीतिक षड्यंत्र के वजह से किन्हीं कारणों से उनको जेल निरुद्ध रहे और विगत 3 दिन पहले उनको जेल से रिहा हुए और आज पहला उनका आगमन हमारे गोसाईगंज मंडल में और गोसाईगंज नगर में हो रहा है। तो हम लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और अभी माया क्रॉस कर चुके हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर में हम लोगों के बीच में होंगे और उनका हम भव्य रूप से स्वागत करेंगे। तो आप ये बताइए कि ये कार्यक्रम का आयोजन और कहाँ कहाँ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम का आयोजन आज हमारे इस विधानसभा से बाकरगंज में है और माया बाजार में है, यहाँ तेलियागढ़ में है और भीटी तिराहे पर है। इससे होते हुए वो अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों से अकबरपुर की तरफ जाएंगे। तो जैसा कि हम जानना चाहते हैं, चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव बीत गया और आपको, आप लोगों को, यहाँ की जनता को यहाँ एक मुखिया की तलाश थी, तो क्या आपको लगता है कि अब आप लोगों को एक मुखिया आ गया है, जेल से बाहर आ गया है और अब आप लोग क्षेत्र की समस्या को अन्य मुद्दों पर उस पर अपना ध्यान देंगे और उसके निराकरण का प्रयास करेंगे। जी, हम लोगों के अगुआ थे, मुखिया थे और जेल में रहते हुए भी हम लोगों का काफ़ी उन्होंने संगठनात्मक और आम जनता का कोऑपरेट किया और हम लोगों को बेशक निस्संदेह हमको कहना है, खुशी हो रही है, सौहार्दपूर्वक कह रहे हैं कि हम लोगों के मुखिया के रूप में बतौर विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे। ठीक है, जैसा कि गोसाईगंज के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी जी का आज यहाँ पे स्वागत हो रहा है, आप जरा दूर से दिखाइएगा, आप चारों तरफ से दिखाइएगा कि पूरा यहाँ पर कैसा जमाड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ जमा हुई है। आप उधर दिखाइए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर करीब हजारों की भीड़ होने वाली है। गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी जी माया से चल चुके हैं और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हम यहाँ पर एक दो लोगों से और बात करते हैं। भैया नाम बताइए जरा अपना। राजन पांडे। तो पांडे जी बताइए, जो यहाँ आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जनता काफ़ी खुश है, तो जरा, तो भाई साहब थोड़ा शर्मा गए, जरा बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलने में क्या समस्या है, आप बताइए कि जनता यहाँ पे खुश है और आप भी आए हैं स्वागत करने के लिए, जरा बताइए आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है। तो आप लोग स्वागत करने के लिए आए हैं, तो ये कार्यक्रम जैसे माया में भी किया जा रहा है कि आप बताइए अभी विधायक जी कहाँ पहुँचे हैं। माया पहुँचे हैं, विधायक जी माया पहुँच गए हैं। तो दादाजी आप यहाँ किस लिए आए हैं। हम आए हैं तिवारी जी से मिलने के लिए। आप पूर्व विधायक का स्वागत करने के लिए आए हैं और एक गोसाईगंज बाजार है जी, तो वो एक साल के बाद आ रहे हैं, आप जरा कुछ बताइए उनके बारे में। वो हमारे विधायक हैं, इसलिए सांसद भी होने वाले हैं, इसलिए हम चले आए। सांसद होने वाले हैं तो इसका अभी आपसे इसका अनुमान आपको कैसे हो गया। हमारा अनुमान सही, हमारे सांसद बनेंगे वो, ये इसका मतलब ये आपका स्नेह बोल रहा है कि सांसद होने वाले हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग तैयारी कर रखे हैं। जीत भैया आप अपना नाम बताइए। रणधीर पाल हमारा नाम है। रणधीर पाल है, तो आप यहाँ गोसाईगंज के कोई पदाधिकारी भी हैं। जी जी, हम यहाँ के सेक्टर के संयोजक हैं और जिला विभाग के चेयरमैन हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हमारे माननीय विधायक जी जो 11 महीने लगभग वो जेल में बंद थे, तमाम षड्यंत्रकारियों ने उनको जेल में कैद कर रखा था। 3 दिन पहले माननीय विधायक जी छोड़कर आए हैं, आज पहला उनका नगर आगमन होने जा रहा है। जो गोसाईगंज की जनता गोसाईगंज नगर में हजारों की संख्या में खड़ी हुई है और उनको सांसद बनाने के लिए लालायित है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हमारे माननीय पूर्व विधायक जी को यहाँ का सांसद का टिकट दिया जाए और यहाँ के सांसद हों जिससे क्षेत्र की, इस ग्राम, इस नगर की सुरक्षा हो सके और यहाँ का विकास हो सके। ठीक है, माता की बढ़िया बात है। अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से और वार्ता करते हैं। यहाँ पर प्रशांत गुप्ता जी हैं जो सभासद भी हैं। भैया जरा बताइए, आप यहाँ के सभासद हैं और एक साल में आप बताइए कि आप सांसद हैं और आप चुनाव होने वाला है, आप बताइए कि चुनाव में आप क्या करेंगे। चुनाव में हम लोग जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताया जाएगा। आप भाजपा से टिकट भी पाए थे और विधायक जी ने के आने से आपको क्या मजबूती मिलेगी।
अरे सभी कार्यकर्ता खुश हैं। गोसाईगंज नगर में दर्जनों काम करवाया है विधायक जी ने, अभी सामने देख लीजिए कैमरा लगवाया है विधायक जी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और भी काम हुआ है जो है, है? बाजार को पूरा बचा दिया है, और क्या चाहिए व्यापारी को। ठीक है, हम और बातें करते हैं। हमारे साथ में ओम प्रकाश सोनी जी हैं, आप पुराने भाजपाई हैं, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप हमारे बगल में खड़े हैं, हम आपसे भी जानते हैं। भैया बताइए सोनी जी कि विधायक जी एक साल बाद छूट के आ रहे हैं, आप जरा इस बारे में बताइए कि आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। जी जी जी, आज सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, और हमारे मुखिया विगत दिनों में जेल से छूटे हैं, तो उन्हें भी और हमारी इस जनता को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक दूसरे से एक लंबे अंतराल पर मुलाकात हो रही है। इस बीच जो है नगर में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, बाईपास निर्माण का काम एकदम सफलतम रूप से कार्यक्रम हुआ है, दोहरीकरण हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे हैं आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, और आज विधायक जी भी जेल से छूटकर पहली बार गोसाईगंज में आ रहे हैं, इसलिए यहां पे बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है। एक कार्यक्रम तेलियागढ़ में है और दूसरा कार्यक्रम बीटी रोड के आसपास है, अभी हम चलते हैं वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं। एक गोसाईगंज का बरदही बाजार है, सबसे पहला स्वागत बरदही बाजार में किया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे युवा भी हैं और यहाँ पे कुछ जिम्मेदार वर्ग भी हैं, प्रबुद्ध वर्ग भी हैं। ये लोग गोसाईगंज के निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, हम जानते हैं। भैया कुछ आप बताइए, तो भैया आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जी तो बताइए, आप यहाँ पे विधायक जी पहली बार उनका आगमन हो रहा है, और यहाँ की जनता काफ़ी प्रसन्नचित दिखाई दे रही है, आप इस बारे में बताइए। चूँकि विधायक जी से सारे लोग प्रभावित हैं, विधायक जी के विकास कार्यों से प्रभावित हैं, विधायक जी ने किसी के ये नहीं देखा कि कौन सा जाति है, जाति वर्ग पर ना काम करके उन्होंने विकास के लिए काम किया है, जो भी ठान लिया है माननीय विधायक जी ने वो काम करके दिखाया है। गोसाईगंज विधानसभा में आज तक जब से नवसृजित हुई है ग्राम पंचायत ये विधानसभा, तब से आज तक जितना खब्बू तिवारी ने विकास किया है उतना कहीं भी आप देख डालिए, कहीं भी कोई एक पैसे का विकास नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ में युवा नेता हैं, युवाओं के आप बहुत बड़े रहनुमा हैं, इनका नाम है पवन पंडित जी, आप भी स्वागत करने के तैयार हैं, भैया तेलियागढ़ में भी थे। पवन पंडित जी बताइए कि विधायक जी यहाँ पर पहली बार छूट के आ रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में हजारों लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप बताइए क्या विधायक जी के आने से एक बार फिर यहाँ पर विकास कार्य शुरू हो जाएगा। जी सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण, जो भी हमारे बड़े भाई, पिता तुल्य, माता तुल्य, बुजुर्ग जो भी सुन रहे, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि ये पावन पर्व माननीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया के सौजन्य से हुआ है। जैसे भगवान रामचंद्र जी जब वनवास से आए थे स्वागत हो रहा था, उसी तरीके से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। खब्बू तिवारी जिंदाबाद। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर विधायक जी आ गए हैं, और यहाँ पर गोसाईगंज विधायक, जैसे कि यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, और यहाँ पर देखिए गाड़ियों का काफिला दिखाइए आप, यहाँ पर गाड़ियों का काफिला जो है आ रहा है, और विधायक जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। गोसाईगंज विधायक, जरा आप इसको पास से दिखाइएगा, आप पास से दिखाइएगा, कैमरामैन जरा आप पास से दिखाइए, दूर से दिखाइए। विधायक जी के स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा हुआ है।